नगर पालिका परिषद एटा में ठेकेदारों ने भुगतान को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए नगर पालिका परिषद में तालाबंदी कर अपना रोष व्यक्त किया। आक्रोशित ठेकेदारों ने पिछले 3 वर्षों से ठेकेदारों के 5 करोड़ से ज्यादा बकाए भुगतान न किए जाने से नगर पालिका अध्यक्ष मीरा गांधी और ईओ नगर पालिका परिषद नंदलाल के कार्यालय में ताला बंद करने के साथ ही पालिका के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान आक्रोशित ठेकेदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से नगर पालिका द्वारा उनका भुगतान न किए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और नगर पालिका द्वारा नए कार्य कराए जा रहे हैं और उन ठेकेदारों को भुगतान पालिका अध्यक्ष और ईओ द्वारा किया जा रहा है जबकि हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा। पूरे मामले को लेकर वो प्रशासन के आला अधिकारियों से गुहार तक लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोकेश जी, क्या समस्या है और आज आपने नगर पालिका तालाबंदी की क्या वजह है? वजह ये है कि पिछले 3 साल से हम लोग भुगतान लंबित चले आ रहे हैं। चेयरमैन और यू मिल के नए नए काम करा लेते हैं, नए कामों में भुगतान हो जाते हैं। हम लोग 3 साल से परेशान हैं। आज जहर खाने की स्थिति में एक हमारा भाई 27 तारीख को आत्महत्या करने की बात कर रहा है कि मैं आत्महत्या करूँगा।